न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया चौथा वनडे मैच न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीत लिया है और सीरीज को 2-2 में बराबरी करने में कामयाब हुआ है। अब दोनों टीमों के बीच आखिरी वनडे मैच 4 मार्च को ऑकलैंड में खेला जाएगा। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो सीरीज जीतने में कामयाब होगी। इस जीत में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल हीरो साबित हुए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर में 279 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका की तरफ से कप्तान एबी डिविलियर्स ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए। डिविलियर्स ने 59 गेंदों का सामना करते हुए अपने पारी 3 छक्के और 4 चौके लगाए। फॉफ डुप्लेसिस ने भी 97 गेंदों का सामना करते हुए 67 रन बनाए। 280 रन का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम का स्कोर जब सिर्फ 5 रन था तब सलामी बल्लेबाज डीन ब्राउनली 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। दूसरे विकेट के लिए मार्टिन गुप्टिल और कप्तान केन विलियमसन के बीच 72 रन की साझेदारी हुई। न्यूजीलैंड का स्कोर जब 77 रन था तब विलियमसन 21 रन बनाकर इमरान ताहिर गेंद पर आउट हुए। विलियमसन के आउट हो जाने के बाद रॉस टेलर बल्लेबाजी करने आए और तीसरे विकेट के लिए गुप्टिल और टेलर के बीच 180 रन की साझेदारी हुई। न्यूजीलैंड की साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। न्यूजीलैंड का स्कोर जब 257 रन था तब टेलर 66 रन बनाकर इमरान ताहिर के गेंद का शिकार बने। 44 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 257 रन था और उसे जीतने के लिए आखिरी 36 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी। 45वें ओवर में गुप्टिल ने लगातार 2 छक्के लगाए। इस ओवर में कुल मिलाकर 18 रन आए और न्यूजीलैंड ने मैच जीत लिया। गुप्टिल ने सिर्फ 138 गेंदों का सामना करते हुए 11 छक्के और 15 चौकों के मदद से 180 रन बनाए। इस शानदार पारी की वजह से गुप्टिल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। आपको बता दें कि अपनी इस पारी से गुप्टिल ने सचिन तेंदुलकर, सनत जयसूर्या और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।